नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में जल्द शुरू होगी शारीरिक शिक्षा निदेशकों की बहाली। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण की वोटिंग हुई सम्पन्न। तेजस्वी यादव के सगाई करने की खबरें सामने आई। अरवल के बाद गया जिले से वैक्सीनेशन में लापरवाही आई सामने। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में जल्द शुरू होगी शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली। सूबे में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के पदे पर बहाली का इंतजार कर रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में करीब 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली जल्द ही शुरू होगी। बताते चले कि इन रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर स्वीकृति राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही मिल चुकी है, जिसके तहत 8000 रुपए मानदेय पर यह नियुक्ति होनी है। आपको बताते चले कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 2 सप्ताह पहले ही इस बाबत एक पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। ऐसे में लग रहा है कि जवाब मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने एवं 2019 के बंदोबस्त धारियों से प्राप्त 10% प्रतिभूमि राशि 267.83 करोड़ वापस करने की स्वीकृति दी है। तो वहीं 5 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। गया के अतिरिक्त पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कविंदर प्रसाद सिंह को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। वहीं किशनगंज छतरगाछ रेफरल अस्पताल डॉक्टर शिवानी सिंह को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में वाल्मीकि नगर में 102 कमरों का कन्वेंशन सेंटर बनाने पर फैसला लिया गया। कन्वेंशन सेंटर 120 करोड़ 21 लाख की लागत से बनेगा, जो कि 4 ब्लॉक में बनाया जाएगा। बंदोबस्तधारियों से प्राप्त 10% प्रतिभूति राशि यानी कि 267.83 करोड़ रुपए भी वापस होंगे। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण की वोटिंग हुई संपन्न। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इसी के साथ ही अब 11वें चरण और अंतिम चरण की वोटिंग का इंतजार शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि 10वें चरण के लिए आज 34 जिलों के 817 पंचायतों में वोटिंग हुई। इसके लिए वोटरों का गर्मजोशी इस सर्द मौसम पर भारी पड़ गया और सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मतदान के लिए 7257 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 509 केंद्र संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए थे, जहां पर विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई थी। आपको बताते चले कि 10वें चरण की वोटिंग होने के बाद अब इन 18 जिलों बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय, अररिया, कटिहार, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह सम्पन्न हो गई है। मुंगेर के तारापुर में परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान आज सुबह ही वे हवेली, खड़गपुर, मुढेरी में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से ही संग्रामपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बताते चले कि उपचुनाव के बाद तारापुर में मुख्यमंत्री का यह पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही कई सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण खुद से किया। तो वहीं तारापुर में जदयू प्रत्याशियों की जीत दिलाने के लिए दिन रात लगे कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सीएम नीतीश स्थानीय जनता से भी मुखातिब हुए। इस लेकर एक जनसंवाद का भी आयोजन तारापुर में हुआ था। बिहार में मिले 6 नए कोरोना संक्रमित। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटों के दौरान कुल मिलाकर 1,70,596 सैंपलों की जांच हुई, जिसके आधार पर कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 4 मरीज ठीक होकर अपने घर को भी चले गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 29 हो गई है। वहीं बात अगर रिकवरी दर की करें तो यह 98.33% हो गया है। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की पड़ी छापेमारी। राज्य में शराबबंदी को सख्ती के साथ प्रभावी बनाने के लिए निगरानी विभाग का भी जोर दिख रहा है। अब की बार खुद उत्पाद अधीक्षक ही इसकी चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के एक्साइज सुपरिंटेंडेंट अविनाश प्रकाश के खिलाफ शराब माफिया से साठगांठ करके काली कमाई करने के मामले में स्पेशल निगरानी की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान टीम ने उनके 3 ठिकानों पटना, मोतिहारी और खगड़िया स्थित ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक उत्पाद अधीक्षक अपने पद और ड्यूटी की आड़ में शराब माफियाओं को रोकने के बजाय उनसे मिलीभगत करके आय से अधिक संपत्ति बना रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर स्पेशल विजिलेंस टीम ने बीते महीने की 7 तारीख को ही केस दर्ज किया था, जिस पर कई धाराएं लगाने के बाद अब कार्रवाई जारी है।
तेजस्वी यादव की सगाई की करने की खबरें सामने आई। बिहार के राजनीति के युवा और चर्चित चेहरे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल दिल्ली में सगाई कर सकते हैं। मीडिया में चल रही ऐसी खबरों के अनुसार उनके सगाई की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। कयासों के मुताबिक लालू परिवार के सभी सदस्य दिल्ली में मीसा भारती के घर पर पहुंचे हैं। ऐसे में कुछ अच्छी खबर सामने आने की देरी है। इस बात को लेकर हालांकि लालू परिवार ने कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया है। हालांकि करीबी लोगों का कहना है कि यह जुटाव तेजस्वी यादव की शादी को ही लेकर हो रहा है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी स्कूल की दोस्त से ही शादी रचाने वाले हैं, जो कि हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि लालू परिवार की तरफ से इस पूरे मामले में गोपनीयता रखी जा रही है। अरवल के बाद गया जिले से वैक्सीनेशन में लापरवाही आई सामने। बिहार में वैक्सीनेशन के काम में लगाए गए वर्करों की बड़ी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। पिछले दिनों जहां अरवल जिले में वैक्सीनेशन लिस्ट में सेलिब्रिटी के नाम आए थे, जिसके मुताबिक सरकार की भी खूब फजीहत उसके बाद हुई थी, तो वहीं अब फिर से ऐसा ही मामला गया जिले से आया है, जहां पर टिकारी प्रखंड में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि टिकारी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र अलीपुर के एएनएम के यूजर और आईडी को हैक करके कुछ राजनीतिक लोगों का वैक्सीनेशन 7 दिसंबर को कर दिया गया था, जिसकी भनक लगते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी आईडी और यूजर को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और अब साइबर एक्सपर्ट इस मामले की जांच करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। बिहार के किसानों को डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराने का मामला लोकसभा में उठा। हाल ही में बिहार के किसानों को उर्वरक और खाद की किल्लत की समस्या झेलनी पड़ी है। इसे लेकर सरकार ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखकर आपूर्ति की मांग की थी। वहीं अब लोकसभा में भी किसानों को खाद और उर्वरक मुहैया कराने का मामला उठाया गया। इसके तहत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में किसानों को खाद मुहैया करवाने की मांग उठाते हुए कहा कि दरभंगा सहित मिथिला के क्षेत्र में अधिकांश किसान लघु और सीमांत किसान है, और यदि समय रहते डीएपी व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि सांसद ने लोकसभा के माध्यम से विभागीय मंत्री से डीएपी व यूरिया खाद की अनुपलब्धता को दूर करते हुए पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि किसान अपनी फसल बुआई बिना रुके कर सके। अब जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। दिसंबर का महीना आधा बीतने के करीब है, मगर अब तक लोगों को पहले की तरह ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। इसके विपरीत मौसम में गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। करीब 28 साल के बाद दिसंबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री ज्यादा है, जिसके वजह से एक हफ्ते से ठंड ना के बराबर हो रहा है। राज्य में अधिकतम औसत तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ा हुआ अंतर मौसम को गर्म बना रहा है। अब पछुआ के चलते ही बिहार सहित गंगा के समूचे मैदान में ठंड पड़ने वाली है। बिहार में मंदिरों से कर वसूलने का हुआ विरोध। हाल ही में बिहार में मंदिरों से टैक्स वसूलने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के भारतीय जनक्रांति दल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। साथ ही यह भी कहा है कि बिहार सरकार को मंदिरों की भूमि दिखाई दे रही है, लेकिन चर्च और मस्जिदों की भूमि दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में एक भी पुजारी को शासकीय वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन मौलवियों को 10,000 रुपए का वेतन कैसे दिया जाता है? यह संविधान की समानता के विरोध में है। मंदिरों में 4% कर सोलने के निर्णय का हम विरोध करेंगे। इसके लिए राज्यपाल से भी निवेदन किया जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि किसी भी परिस्थिति में हम यह कानून नहीं बनने देंगे। दरभंगा एयरपोर्ट ने फिर से बनाया नया कीर्तिमान। बिहार के दरभंगा जिले में एयरपोर्ट के शुरू होने के साल भर ही पूरे हुए और यह एक के बाद एक कई नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बीते साल ही 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा को शुरू किया था, जिसके बाद यह किसी ने नहीं सोचा होगा कि महज एक साल के अंदर ही यह एयरपोर्ट यात्रियों की पहली पसंद बन जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन 8 फ्लाइट्स में से लगभग 2000 से 2500 यात्री ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहीं केवल 13 महीने में ही दरभंगा हवाई अड्डे से 6 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की, यानी कि 6 लाख से अधिक यात्री यहां हवाई जहाज से बिहार आए हैं या तो फिर गए हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा हवाई अड्डे के डायरेक्टर मनीष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए की है। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश को दी साथ छोड़ने की धमकी। बिहार सरकार की सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल इस बार उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ देने की बात कही।
डाली है। यह वाकया बीते दिन का है जब गया जिले के इमामगंज में एक कार्यक्रम में अपना संबोधन देते हुए उनकी जुबान अलग स्वर में बोलने लगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपए दे दे वरना वे गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि वे ज्यादा समय तक राजनीति में नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए कोई अपयश लेकर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ के विकास से मुझे संतुष्टि मिलेगी। कंगना ने बड़ी उम्र की हीरोइनों पर किए कमेंट। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर बॉलीवुड में कई कारणों से चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच कंगना रनौत का भी एक कमेंट आया है। दरअसल कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को इस बात के लिए बधाई दी है कि जेंडर को लेकर यहां स्टीरियोटाइप को तोड़ा जा रहा है। कंगना ने उम्र से जुड़े हुए जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर एक कमेंट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया है। कंगना ने लिखा कि जब बड़े हो रहे थे तो ऐसी कई कहानियां सुनी थी जिनमें अमीर लोग कई साल छोटी लड़कियों से शादी किया करते थे। औरतों का उनके पतियों से अधिक सफल होना एक संकट के तौर पर देखा जाता था, पर अब यह देखकर खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री की कामयाब और अमीर लीडिंग लेडीज इस सेक्सिस्ट परंपरा को तोड़ रही है। बता दें कि कैटरीना और विक्की की उम्र में 5 साल का फासला है। 38 साल की कैटरीना विक्की से 5 साल की बड़ी है। ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी की कड़ी तारीफ। वेस्टइंडीज के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने कहा कि एमएस धोनी ने व्यक्तिगत रूप से उनके करियर में बड़ी भूमिका निभाई है। ब्रावो ने यह भी कहा कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी सीएसके में दोनों की शानदार विरासत है। एएनआई के साथ बातचीत में ब्रावो ने धोनी की प्रशंसा की है और आईपीएल फ्रेंचाइजी सीएसके की विरासत के अलावा कई मुद्दों को लेकर बात भी की। इस दौरान उन्होंने एमएस धोनी के बारे में बात करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि एमएस धोनी और मैं एक दूसरे को दूसरी माँ से भाई कहते हैं। हमने एक मजबूत दोस्ती विकसित की है। वह खेल के ग्लोबल एम्बेसडर हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे करियर में मदद की है। तो आइए चलते हैं अब आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिले में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।